अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफर में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करना है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 139 एपिसोड होने जा रही है। और हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि हम आपसे ऐसे स्टार्स को मिलवाएं, ऐसे लोगों को मिलवाएं जिन्होंने ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा काम किया होता है, बल्कि अपने प्रोफेशन में रह के एक नाम और मुकाम बनाया होता है। हमेशा की तरह हर एपिसोड ही मैं कहता हूँ, लेकिन यकीन मानिए कि जो आज की एपिसोड होने जा रही है, यकीनन आपकी फीडबैक जब आएगी तो हमें पता चलेगा आप लोगों को कितने पसंद आया ये इंटरव्यू। एक ऐसी खातून मेरे साथ मौजूद है, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड खातून है। अगर मैं कुछ तारफ कराना चाहूँ, कुछ वर्ड्स भी मैं चुनाव करूँ, तो शायद इतने थोड़े से टाइम में मैं उनका तारफ नहीं करा सकूँगा। कोशिश करता हूँ बताने के लिए। एक बाय प्रोफेशन वो एक एस्ट्रोलॉजर है और NLP ट्रेनर है, और इसके अलावा बहुत कुछ है। वो नेशनली इंटरनेशनली उन्होंने क्या क्या काम किए अब तक, और कितने उनके क्लाइंट्स हैं, क्या क्या उनकी फतोहात है, वो खुद बताएंगी। और आपने यकीन उनको जानते होंगे, जो भी आप चैनल ऑन करें, सुबह मॉर्निंग का हो, मॉर्निंग शो हो, या वो नाइट शो हो, आपको वो अक्सर वक़ात हमेशा की तरह खिलती मुस्कुराती फ्रेश नज़र आएंगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली सादिया अरशद की। सादिया अरशद एक बहुत बड़ा नाम है हमारे पाकिस्तान का, जो किसी तारीफ का मुहताज नहीं है। आज एक ऐसा इंटरव्यू उनके साथ ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में होने जा रहा है, और एक ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू आज उनके साथ डिस्कस होंगे जो आज से पहले सादिया ने शायद किसी और चैनल पर या किसी और के साथ उसके उस पर बात ना हुई हो। जी मेरे साथ लीजिएगा, ख्वाबों से तबीयत तक का ये सफ़र आज बहुत हसीन होने जा रहा है, क्योंकि मेरे साथ आज सादिया अरशद है। जी वेलकम टू माई शो सादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम गुड एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है आज सादिया। सादिया, जैसे कि मैंने तारुफ में कराया कि बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में सादिया है क्या। सादिया के डिफरेंट पहलू लोगों ने जानते और समझते होंगे हर चैनल पर, ठीक है? और लेकिन आज जिसके ऊपर मैं बात करने लगा, पहले तो मेरा ये फॉर्मेट जो है वो ख्वाबों से तबीर है जी। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि सादिया की ये जर्नी कैसे शुरू हुई, थोड़ा सा उसके ऊपर बताएं आप। और ये ख्वाब जो बचपन में आप ख्वाब देखती थी, क्या वो ख्वाबों की तबीर मिल गई है कि नहीं, कि उसके लिए सफर अभी भी जारी है और आप गामजन है अपने सफर की तरफ? प्लीज देखिए, जैसे कि आपने कहा ताबीर मिल गई, तो मेरा भी ख्याल है कि मरते दम तक कभी भी ऐसा पॉसिबल है कि आप अकम्प्लिश अपने उस ख्वाब को कर ले, तो ना कभी ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि ये तो रवा दवा सफ़र होता है और इसको जारी रहना चाहिए। जहाँ तक आगाज़ की बात है, तो मेरा जर्नी जब स्टार्ट हुआ था किसी भी कहते हैं किसी काम में जब आना हो या कुछ भी हो, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, और शायद वाकई ही मैंने कभी पहले कभी ज़िंदगी में शायद इस तरह से बात ना की हो, तो एक अजीब सी दास्तान है। बट मेरा ख्याल है कि उस वक्त मेरे पास शायद सिर्फ 500 रुपये थे, 500 रुपीज़, ओनली 500। और एक बड़ा मुश्किल सा दौर था उस वक्त मेरे पास, और अक्सर लोग इस तरह की बातों का जिक्र नहीं करते, लोग तो हिडन रखते हैं, थोड़ी सी बातों को छुपाते हैं, बल्कि हिडन रखते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह फखर है, और नो डाउट आपके वालिदैन की दुआएं आपके साथ होती हैं, लेकिन फखर मुझे इस बात पे है कि जो भी किया अपने बलबूते पे किया है, और वालिदैन की दुआएं तो साथ हैं ही। किस तरह से आगाज़ किया, कैसे सोचा, किस तरह हुआ, वो तो अल्लाह की मदद होती थी, क्योंकि मुझे तवक्कल बहुत ज़्यादा था। मेरा इस चीज़ पे बिलीव बहुत ज़्यादा है कि अल्लाह आपकी मदद उस वक्त करता है जब आपका उस पे एक
तवक्कल होता है, आपको ये यकीन होता है, तबाह होता है, तमाद होता है कि कोई हो ना हो वो ऊपर वाला आपके साथ है। जब सारे दरवाजे दुनिया के हर चीज बंद हो चुकी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने इवन माय डॉटर वाज आई थिंक 2.5 or 3 years old जिस वक्त पे मैंने अपना MBA किया कंप्लीट, और उसके बाद फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी को उसकी स्टडी की, और इवन आफ्टर माय सन मैंने NLP का कोर्सेज किए, हिप्नोथेरेपी, इन सब चीज़ों में आई। सो एक मुसलसल सफ़र है। मैं नहीं समझती कि आज के दिन में भी मैं किसी चीज़ में कंप्लीट हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि स्पेशली जिस वक्त हम एस्ट्रोलॉजी की या इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो इट इज़ जस्ट लाइक जिस तरह हम डॉक्टर को कहते हैं ना कि उनको हर रोज़ पढ़ना पड़ता है या अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ता है, तो इसमें भी ऐसे ही हमें टाइम के साथ साथ आपको अपग्रेड करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। और ये एक ऐसी स्टडी है जो कि मुकम्मल हो ही नहीं सकती। हर वक्त आपको कुछ ना कुछ नया पता चलता रहता है और आप गॉसिप इसमें लाना पड़ता है थोड़ा सा लोगों के लिए। जी डेफिनेटली, आप ये बकायदे एक एजुकेशन है, ये कोई तुक्के वाला इल्म तो है नहीं कि हम कहे कि ये तुक्के वाला इल्म है। इसमें 2+2 4 ही होगा, ना 3.5 हो सकता है ना 4.5 हो सकता है। तो आपको ये, और ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आप किसी भी क्लाइंट को कुछ भी बता रहे होते हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली उसकी पूरी एक यानी कि लाइफ का आपके सामने होती है, उसने बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं आपके मुताबिक, और अगर आपने कुछ ऐसा कह दिया तो जी जी तो बहुत सारे मामला भी खराब हो सकते हैं। तो अच्छा, जिस सादिया को मैं जानता हूँ, सादिया अरशद को जी, और जिसकी फैमिली को मैं जानता हूँ, मियां अरशद साहब नॉट और लाहौर के जो लोग रहने वाले हैं, वेल नोन फैमिली में से एक फैमिली है, तो जिस मियां अरशद साहब की बेटी को मैं जानता हूँ उसका तो दूर दूर तक एस्ट्रोलॉजी के साथ कोई तलक बनता ही नहीं था। जी ऐसे ही। तो वो एक बिजनेस, टोटल एक बिजनेस ओरिएंटेड किस्म के लोग हैं और फैमिली भी ऐसी है। तो हमारे यहाँ तो ट्रेडिशन ऐसी थी कि भी शादी शादी के बाद आप जी घर बसाए और बस अपनी जिम्मेदारियों को देखें। तो सादिया और एस्ट्रोलॉजी और बिजनेस के साथ बैकग्राउंड, ये कुछ खुला तजाद ऐसा वाली बात है, खुला तजाद नहीं है इसमें। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, बड़े मजे की बात आपको मैं बताती हूँ। ये भी ऐसा इत्तफाक है कि आपने सबने नाम सुना होगा MM मलिक साहब का, वेरी फेमस फार्मिस्ट थे, लेजेंड्स कह सकते हैं, बिल्कुल लेजेंड। वो थे जी, मेरे अल्लाह को जन्नत नसीब फरमाए, मेरे नाना अबू के दोस्त, और हम उनको नाना अबू ही कहते थे। हमारे को बहुत आना जाना था उनका, हमारा ऐसे हम आपस में फैमिली की तरह थे, और वो जब भी आते थे तो सबसे पहले मैं उनके सामने बैठ जाती थी, जी मुझे बताएं मुझे बताएं। तो हम सारी फैमिली उनके साथ नाश्ते हो रहे हैं इकट्ठे, और बहुत ज़्यादा इस तरह से था। तो वो जब भी मेरा हाथ देखते थे ना, तो इवन मेरे नाना अबू को भी कहते होते थे कि ये लड़की एक दिन इसी फील्ड में होगी, इसके अंदर बहुत काबिलियत है, और देखते होते थे। और अक्सर ना वो माथा पढ़ के मैंने कहते थे ये बहुत पढ़ेगी। अच्छा, मैं सोचती थी यार मैं तो बिल्कुल पढ़ने वाली हूँ नहीं, मुझे तो पढ़ने का शौक ही नहीं है। उस वक्त में होता था ना, आप बिल्कुल एक ऑर्डिनरी से बस ठीक है यार, हाँ जी ऐसे ही था। तो मैं सोचती यार मैं कहाँ पढ़ूंगी, आज मुझे साफ होता है कि यार मैं तो आज ही पढ़ती हूँ, आज तो पढ़ा रही हूँ। तो वो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। एनी हाउ, वो मुझे अपनी बुक्स देते होते थे पढ़ने के लिए, और मैं बड़े शौक से उनकी बुक्स पढ़ती थी, और वहां से है मेरा एक इस चीज का इंटरेस्ट भी पैदा हुआ। और मैं बल्कि उनको कहती थी कि आप प्लीज ये बात मेरे डैडी के सामने ना कहिएगा, मुझे घर से निकाल देना उन्होंने। और वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मेरी फैमिली में दूर दूर तक पॉसिबल नहीं था, नहीं है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो तनकीद का सामना हुआ जब आप शुरू में हुआ, पहले तो शौक ही आता तो ठीक था, मियां साहब ने बर्दाश्त किया होगा, मियां साहब ने ठीक है, मी नहीं। बट माय फादर इज एक्चुअली वेरी क्या उसे कहना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड पर्सन, उन्होंने सपोर्ट किया आपको, नहीं आपको इस प्रोफेशन में आना चाहिए, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। तो भाई एस्ट्रोलॉजी ही क्यों, यानी कि और भी बहुत सारी चीजें थी कि यही क्यों नहीं। वैसे तो आई एम एंटरप्रेन्योर एज वेल, आपको पता ही है कि द बिजनेस आई हुआ एज वेल, वो भी है साथ चल रहा है। इसमें मुझे ऐसा लगता था कि जिस तरह मैं क्योंकि मैं अब ये भी एक बड़ा अपने क्या मैं आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली। हमारे व्यूज जो है ना, यही बड़ी सादिया को आज देखना सुनना चाहते हैं जी।
वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा खैर, मैं जब खुद एक जिंदगी के मुश्किल दौर में थी तो मेरा ख्याल है कि मैंने लाहौर तो छोड़े, शायद दुनिया में भी बहुत से, मैं कहीं पे भी, क्योंकि मैं बहुत रेगुलर ट्रेवल करती थी, तो मैंने बहुत से लोगों के पास जाना और पूछना कि जी बताइए मेरे साथ क्या होगा. पामिस्ट के पास जाना, पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, पता नहीं कहाँ कहाँ में जाती थी. और लाहौर में भी मैं बहुत से लोग हमारे जो इस वक्त हैं फेमस लोग बहुत गई. आप यकीन कीजिए मुझे हमेशा लगता था कि एक ने एक कहानी बताई है, दूसरे ने दूसरी कहानी बताई है, किसी ने मुझे किसी चक्कर में डाला है, किसी ने मुझे कहा कि ये पहन लो तो ये हो जाएगा, ये पहन लो, तो मैं सोचती थी यार कि मेरे साथ हो क्या है? कंफ्यूज हो गया, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, क्योंकि मुझे ऐसे क्योंकि मेरा एक बिलीव था कि क्योंकि मैं खुद भी पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि ऑथेंटिसिटी मुझे नहीं कहीं पे भी समझ में आई थी. तो उस चीज ने मेरे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा की कि यार ये है क्या, ये पता करना चाहिए. Then I have been to India, UK, मैंने आपको बताया मैं travel करती रहती थी. Then मैं जब India गई तो वहाँ पर मेरी मुलाकात जिनसे हुई, उन्होंने जो मुझे बताया ना about me, तो कुछ अरसे के बाद ऐसी चीज़ें हुई. Okay. Then मुझे realize हुआ कि यार ये हुई ना बात, कुछ है, कुछ है, कुछ है, कुछ है. तो फिर वहाँ से मेरा एक इंटरेस्ट इसमें और डेवलप हुआ, लर्निंग प्रोसेस में मैं आई. यहाँ पे भी एक आधे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं, आई डोंट वांट टू नेम हिम, हालांकि नाम लेना चाहिए बट स्टिल आई डोंट वांट टू नेम हिम, लेकिन मुझे लगा कि यार कुछ है, होता है ये, क्योंकि मुझे था कि पता होना चाहिए कि अगर आप कह रहे हैं कि जी जुपिटर की पोजीशन ये है तो जुपिटर ने भी क्या किया आपके लिए, मून की पोजीशन ये है तो फिर क्या किया मून, क्योंकि मुझे ना हर चीज़ की डेप्थ में जाने का एक शौक भी है. और अभी भी अगर मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ तो मैं उनसे कहती हूँ कि मुझसे पूछिए. और मैं जब इवन मेरा अपना यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ. और मैं तो ये भी शुक्र अदा करती हूँ कि जब से मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया तो कुछ लोगों ने देखा देखी एक्सप्लेन करना शुरू किया. मैं कहती हूँ बेसिकली मार्केट में ट्रेंड सेटर है ना, आपने ट्रेंड सेट किया उसके बाद लोग कॉपी करते हैं, तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, पॉजिटिव. तो आप अवेयरनेस दें, देखिए बात तो सारी अवेयरनेस देने की है और आपको देना भी चाहिए ताकि आप जो भी देखिए जिस तरह डॉक्टर होता है ना वो कहते हैं कि आप बस ये खा लें और ये खा लें आपको आराम आ जाएगा. अब कुछ लोग होते हैं वो घर आके ना गूगल पे वो चेक करते हैं यार इस दवाई से क्या होगा, इस दवाई से क्या होगा. तो बेहतर नहीं है कि आप डॉक्टर से ही पूछें कि भाई ये दवाई आप मुझे दे रहे हैं तो इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, ये डॉक्टर को चाहिए बताएं. तो मेरा ये बिलीव है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस लिए, किस मकसद के लिए कहाँ जा रहे हैं, आपको कौन सा रास्ता दिखाया जा रहा है. दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज एन एस्ट्रोलॉजर ड्यूटी कि वो आपको बताए, अदरवाइज आप अपने पैसे जाया कर रहे हैं. तो आपको किस वक्त ये एहसास हुआ कि अब आप एक कंप्लीट एस्ट्रोलॉजर बन चुकी हुई हैं और अब आपको ये लोगों को मजीद इसके ऊपर लोगों को बताना चाहिए? अच्छा देखिए होता ये है कि जिस वक्त आप अपने घर वालों के साथ ही सब कुछ कर रहे हो वो तो नहीं मानते ना. हाँ जी, वो क्योंकि मुफ्त का ज़रदा पीता होता है, वो नहीं मानते ये तो वो तो एक बड़ी अजीब सी बात हो जाती है. सो इनिशियली जिस तरह मैंने कहा है कि मुझे वो अपने 500 रुपये बड़े याद आते हैं. और जब मैंने शुरू में स्टार्ट भी किया था तो मैंने अपनी जो फी रखी थी वो भी 500 ही रखी. यानी कि 500 का जो डिजिट भी है वो आपके लाइफ में बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी कदर थी मुझे. देखिए जिस जब हम पैसों की कदर नहीं करते, एक पैसा और एक वक्त दोनों की कदर करनी चाहिए. तो वहीं से स्टार्ट किया, अपने घर से शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह तो वहां से एक बस सिलसिला चलता गया, चलता गया, चलता गया राज आपके साथ. तो हाउ मेनी यानी कि इयर्स यानी कि इस अल्हम्दुलिल्लाह इसको जर्नी को अब तो मुझे हो गया माशाल्लाह आई थिंक 16-17 इयर्स, मुझे शायद ज्यादा ही हो गए. तो सर जो एक बैड फेस था आपके ऊपर आया था, एक टाइम ऐसा भी था, नो डाउट हर एक लाइफ में आ सकता है, किसी के भी आ सकता है, वो सिखाने के लिए भी होते हैं कुछ चीजें, हम उससे सीखते भी और फिर निकल भी जाते हैं उसमें से. तो मैं समझता हूँ कि वो टर्निंग पॉइंट था आपका, कि आपने समझा कि अगर मैं इससे गुजरी हूँ तो कोई और इससे सफर ना करे तो मुझे लोगों को बताना चाहिए. देखा जाए तो इसको आपने प्रोफेशन लिया, लेकिन वो जो आजकल पाकिस्तान में या दुनिया में इसको फिनेंशियली यानी कि बनाया गया वो नहीं है. इसके मैंने देखा आप में आप लोगों के वैसे भी हेल्प करती हैं कि लोगों को सदका जारिया के तौर पर भी लोगों के बताया जाए. देखिए प्लीज मैं आपको उसका ना थोड़ा सा बताती हूँ कि मैं करती क्या हूँ. देखिए अक्सर ये होता है कि यहाँ पे आपको जो अपॉइंटमेंट दी जाती है उसमें होता है कि जी बस 10 मिनट है 15 मिनट है एंड देन द सेशन इज ओवर.
व्हाट आई डू, मैं मेरी ये कोशिश होती है कि जब तक मेरा क्लाइंट सेटिस्फाई ना हो या उसको जितनी मदद दरकार है, एक ईज ऑफ माइंड, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि डॉक्टर्स अक्सर क्या करते हैं, सॉरी मैं उस प्रोफेशन वाले नहीं, प्लीज ये समझाने के लिए, हो या कोई भी हो, वो कहते हैं कंसल्टेंसी और डिफरेंट सेटिंग्स होती है उसमें, नॉट वन सेटिंग में, देखिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि जी बस आप आया हो जाएगा आपका मसला हो जाएगा, दैट्स इट, बस उनका ये एटीट्यूड होता है. मेरा ये बिलीव है कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसका ये काम होता है कि जो सामने बैठा हुआ शख्स है उसको ईज में लेकर जाए, उसको ये समझाए कि भाई अगर ये तुम्हारा दुख दर्द है तो उसका हल आपको कब तक कैसे किस तरह मिल सकता है, नहीं मिल सकता है तो भाई उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, आप आगे अपने लिए क्या और राह इख्तियार कीजिए. आपका काम ये है ना कि ये है कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, तुम ऐसे हो, तुम मंगलिक हो, बस खत्म, शो एंड ऑफ स्टोरी, बस जाओ अगला दिन जाके बंदा सोचे यार मैं सुसाइड ना. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि शादी नहीं हो सकती और लोगों को कंफ्यूजन पैदा करना. सादिया, आपने जैसा कि बताया कि बाकी लोगों को हमारे यहाँ जो इतने प्रॉब्लम्स में होते हैं वो पहले ही बहुत ज्यादा घबराए होते हैं, उसको पामिस्ट या एस्ट्रोलॉजर इतना डरा देते हैं वैसे ही, तो थोड़ा सा इसको डिफाइन कीजिएगा अपने नॉलेज के मुताबिक कि क्या होना चाहिए, कैसे. बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए एक बीमार है डॉक्टर के पास जाना है, या जिसका कोई केस लगा हुआ उसने वकील के पास जाना है, आप आगे से उसको इतना डरा दें कि वो कहे, जिस तरह मैंने अभी कहा कि वो कहते हैं यार कि फिर मैं क्या कहूँ, मुझे बताइए मेरा मतलब है मैं जाके वो खुदकुशी कर लूँ, तो ये इस पॉइंट पे नहीं किसी को लेकर जाते. दैट्स व्हाई बिकॉज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी एक्सपर्टिस साथ है, बिकॉज आई एम एनएलपी ट्रेनर, तो एनएलपी इस पर भी थोड़ा सा बताइएगा. हाँ जी, इट्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग इसको कहा जाता है, एंड आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर, और मैं इसमें एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी ट्रेनिंग सेशंस देती हूँ, मैंने यहाँ पे भी दिए हैं, यूके में भी दिए हैं, और जी एज अ स्पीकर बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे क्या होता है जिसमें आप कॉर्पोरेट सेक्टर में ये बेसिकली ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, लेकिन मैं ज़्यादा जो प्रेफर करती हूँ मैं इंडिविजुअल बेसिस पे करती हूँ, वन ऑन वन सेशंस मेरे ज़्यादा होते हैं, उसमें ये होता है कि आप जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, वो आप पे कंफ्यूजन है, एंजाइटी है, आप किसी भी फोबिया में हैं, आपको उधर से निकाला जा सकता है, यानी कि एक स्टेट ऑफ माइंड से आप दूसरे स्टेट ऑफ माइंड में जा सकते हैं, आपको निकाला जाता है. अब ये एक बहुत, जिस तरह साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मैं एक बड़ी सादी जुबान में आपको समझाती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है सिंपलेस्ट वे में समझाऊं, ये साइकोलॉजिस्ट से एक जरा ऊपर की टर्मिनोलॉजी होती है. पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन क्लेम कि इसको सबसे पहले मैंने ही इंट्रोड्यूस करा था. इंटरेस्टिंग. हाँ जी, और अब मैं आई डोंट नो, मे बी और भी बहुत से लोग हों, लेकिन मैं इस चीज़ को बड़े फख्र से कह सकती हूँ कि मैंने सबसे पहले इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया था. और होता क्या है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शायद इसीलिए भी जब एस्ट्रोलॉजी की भी सेशन करती हूँ तो इससे मुझे मदद होती है, फिर जब मैं देखती हूँ कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ में घबराए हुए या परेशानी के आलम में आते हैं, तो फिर मैं उनको सेकेंडली इस सेशन पे रिकमेंड करती हूँ कि आप इस सेशन पे जाए. देखिए कुछ लोग होते हैं वो ना, मुझे बड़ा बहुत बोझल दिल के साथ ये कहना पड़ता है कि वो ऑलरेडी ना, हमारे बहुत से ऐसे हैं लोग इसी प्रोफेशन में, कुलीग्स कह लीजिए, जो ऑलरेडी उनको कहते हैं कि अब आप ये पहन लेंगे तो आपका वो मंगल दोष खत्म हो जाएगा, सार सती खत्म हो जाएगी, आप अक्सर मैंने सुना है वो कौन सा कहते हैं, आप ब्लू सफायर पहन लें, आप ये पहन लें, आप ये कर लें, तो वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि आपका बर्थ स्टोन कोई स्टोन नहीं होता है कि आप लियो है तो आप रूबी पहन लें, आप कैप्रिकॉर्न है तो आप ये पहन लें, आप पाइसिस है तो आप, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसी कोई चीज नहीं, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं आपके ही प्लेटफॉर्म से प्लीज सबको ये बात बता रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है, होता तो प्लीज मैंने बीका पाइसिस मैंने पहना होता, मैंने ऐसा कुछ नहीं पहना हुआ है. आपके बर्थ चार्ट में जो आपका प्लैनेट, क्योंकि ये प्लैनेट्स की दुनिया की हम बात कर रहे हैं,
बेसिकली एस्ट्रोलॉजी क्या है कि जितने भी प्लैनेट्स रोटेट कर रहे होते हैं उनकी चाल को पढ़ने का नाम एस्ट्रोलॉजी है, जिसके थ्रू आपकी रहनुमाई, आपको गाइडलाइन बताया जाता है या आपके बारे में जो भी चीज़ें प्रिडिक्ट की जा रही होती हैं। ठीक है, आपका बोर्ड स्टोन नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, ये है ही नहीं कुछ ऐसी चीज? बिल्कुल नहीं है, इट्स टोटली ये तो आता है लोगों ने, मैं तो भी देखिए मैं लोगों की बात नहीं करती, फिर मेरे पर बहुत सी वो एक आता है कि आप क्या बातें कर रही हैं। मैं इसको नहीं, मुझे पता है सादिया जो भी बात करेगी वो हकीकत में मबनी होगी। मैं इस चीज को इसलिए नहीं समझती क्योंकि देखिए जो आपका फर्ज कीजिए आप लियो ही है, ठीक है, और आपका सन बिल्कुल बहुत अच्छी डिग्रीज पे बैठा है क्योंकि प्लैनेट्स ना डिग्री वाइज रोटेट करते हैं, आपका सन बड़ा अच्छी डिग्री पे बैठा है, यू डोंट नीड टू वेयर अ रूबी। मगर ऑन द अदर साइड फॉर एग्जांपल आपका वीनस अच्छा नहीं बैठा हुआ, या फॉर एग्जांपल आपका मरकरी अच्छा नहीं बैठा हुआ, फिर आपका मरकरी पाइसिस का है तो यू नीड टू वेयर एन एमरल्ड, आपको एमरल्ड पहनना चाहिए। और आपका शोभा भी ऐसा है, आप बातचीत के प्रोफेशन से हैं, आप राइटिंग स्पीकिंग स्किल से हैं, तो यू नीड टू वेयर एन एमरल्ड। आपने बहुत से ऐसे लोग जो कि शोबिज की इंडस्ट्री से हैं, आपने अक्सर उनको यहाँ पे एमरल्ड पहने हुए देखा होगा। तो देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको यही चीज हेल्प करती है कि जब हम जायचा खोलते हैं या बर्ड चार्ट जिसको देख कहते हैं वो जब हम देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है। और दूसरी चीज जिसको मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, दोज आर क्वार्ट्ज। आप अभी तो मेरे पास नहीं है, मैं आपको दिखाती, क्वार्ट्ज जो उनसे होते हैं वो सूदिंग है, हीलिंग है। आई बिलीव इन हीलिंग्स। आपको नेक्स्ट हम जो आपके साथ शो करेंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं अपने ऑफिस में करूँगी और आपको मैं दिखाऊंगी कि आई हैव सो मैनी क्वार्ट्ज विद मी, जिसमें सबसे अच्छा रोज क्वार्ट्ज होता है। और ये आपको हील करता है, सूद करता है, जिनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको अपने पास से रखना चाहिए। फिर हम तो हैर ब्लेस्ड है, हम पाकिस्तान में पिंक सॉल्ट हाँ, वो तो ठीक है, आप अपने पास वो रखिए, अपने रूम्स में रखिए, वैसे थोड़ा सा रिलैक्सेशन का एग्जैक्टली बायस बनता है। बेसिकली मेरा काम ही यही है, मैं लोगों को इस तरफ लेकर आती हूँ, ठीक है, और आप वो अपने पास रखिए। जिन लोगों को, जो लोग एस्थमेटिक होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, आपको पैनिक्स प्रॉब्लम, पैनिक अटैक्स के हैं, हां जी उनके लिए भी। और जिन लोगों को ये खतरा होता है ना कि हमारे ऊपर कुछ हो गया है वो नहीं हुआ होता लेकिन हो जाता है। अच्छा, मैं आपको वैसे बताने लगी हूँ पिंक सॉल्ट की क्वालिटी बताने लगी हूँ कि जिन लोगों को ये नेगेटिविटी को दूर करता है, बेसिकली इसका जब पानी निकलता है, यानी कि पॉजिटिव वाइब्स आती है उसमें, हाँ, इसका जो पानी निकलता है ना, ये आपकी ओवरऑल आपके कमरे की, आपके एनवायरमेंट की नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है और पॉजिटिव एनर्जी आपको देता है। सादिया, मुझे ना आपकी बातों पर इसलिए भी यकीन है क्योंकि मैं समझता हूँ मेरे अपने प्रोफेशन में मुझे बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करने का, मिलने का, फैशन वर्ल्ड में रहने का इत्तेफाक हुआ है। लेकिन मैं नाज़रीन ये बात ना ऑन द रिकॉर्ड बताऊंगा कि सादिया उसमें से एक वाहिद खातून है जिन्होंने अपनी एज को हिडन नहीं रखा हुआ। आप अगर इनके पोर्टल पर जाए तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि सादिया की एज क्या थी, क्या है। उम्र खवातीन एज के मामले में किसी चीज के ऊपर कंप्रोमाइज कर जाती, लेकिन एज के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करती, वो हिडन रखती, छुपाती हैं। तो आपने यानी कि पोर्टल के ऊपर अपनी एज ही लिख दी है। अच्छा, I believe that देखिए हम सब ने आखिरकार एज की तरफ तो जाना है, बट आई बिलीव बहुत सारी खवातीन आपकी जो क्लीग्स हैं वो नाराज हो जाएगी, ये सादिया हमारा काम भी खराब कर रही है। नहीं देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड एज ग्रेसफुली। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने तो अक्सर, आप ये बात करें, मैं तो अक्सर देखती हूँ कि लोग अपने बच्चे भी छुपाते हैं, सबको छुपाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो आज आप है ना, आप ये ना हो कि कल को आप पछताए कि आपके पास ये मौका था और आपने उसको एंजॉय नहीं किया, आपने वो बताया नहीं, आपने उसको शेयर नहीं किया। आप, मेरे ख्याल में आपको हर वक्त जो आज आपके पास है, यानी कि हमें आज में रहना चाहिए, कल जो गुजर गया उस पर पछतावा नहीं होना चाहिए और आने वाले दिन का खौफ नहीं होना चाहिए। खौफ तो
बिल्कुल एक पर्सन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो खौफ में रहता है ना वो खुश नहीं है, खुश नहीं रहता। खौफ आपको खुशी दे नहीं सकता, और जो आज है वो इतना भरपूर होना चाहिए, देखिए आप उसको जितने अच्छे तरीके से जी सकते हैं और उसमें बल्कि आप खुशी को ढूंढिए और जो लोग आपकी जिंदगी में हैं। एक और चीज मैं ये जरूर कहूंगी कि हमें इस बात का, और सबको ही होता है कि हसद जो लोग करते हैं, तो खैर मैं तो हर बात पे कहती लाहौल वाला कुव्वत अल्लाह बिललाह लजीम, अल्लाह ताला हर वक्त बुरी नजर से बचा के रखे, ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है और उनको ये बात समझ नहीं आती है कि वो ब्रादर दिन के अपनी जिंदगी को अच्छा कर सकें, अपने मामलात को अच्छा कर सकें, वो हर वक्त इसी खौफ में रहते हैं कि दूसरे की चीज क्यों अच्छी होगी। देखिए ये भी एक खौफ है, नेगेटिविटी है ना ये, जिसका वो फिर उनके साथ भी वही चीजें होनी शुरू हो जाती है। तो ये खौफ से बाहर निकलिए, मैं सबको कहती हूँ भाई इस खौफ से बाहर निकलो, आप अपनी जिंदगी में अपने ऊपर तवज्जो दो, ब्रादर दिन के आप इस खौफ में रहे कि दूसरों की जिंदगी में क्या अच्छा हो रहा है, उनकी जिंदगी में इंटरफेयर और ये सारी, ये भी खौफ है। दिस इज एक्चुअली एक, ये खौफ है बेसिकली एक बीमारी। अच्छा, ये एक बीमारी होती है और देखिए मुझे ये तो ये पता है इसके असरात बहुत गलत है। जी जी बिल्कुल, एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या शादी है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ लोग इतने यानी कि एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, लोगों को पता नहीं है, और उसके बाद ना हमारे माशी मसाइल जिसको कह सकते हैं हम, और हमारी सोशलिटी यानी सोशल लाइफ भी इस तरह की है, अब लोगों को इन चीज़ों की कोई समझ भी नहीं रही कि किसको क्या कहना है, किसके मुतलक क्या कहना है, लोग नेगेटिविटी के मुतलक ज़्यादा सोच देते हैं किसी से मिले बगैर भी। शायद मैं समझती हूँ इसका एक बेहतरीन तरीका है, आप ना इसको मैं ये समझती हूँ, ये अब एक वर्चुअली बता रही हूँ कि हम ऐसा ऑरा क्रिएट तो नहीं कर सकते, ना हम कोई दायरा अपने इर्द गिर्द लगा सकते हैं, तो एनएलपी के सेशंस में मैं एक चीज करवाती हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द एक दायरा क्रिएट कर मेंटली, ठीक है, एंड डोंट लेट एनी वन एंटर इन दैट सर्कल। टॉक्सिक लोगों को, जो नेगेटिव लोग हैं उनको उस दायरे में एंटर मत होने दीजिए, और माइंड को समझा लीजिए कि दूर रहना है। अच्छा ठीक, डोंट मीट दोस पीपल, कोई मजबूरी नहीं, आपकी कोई दुनिया नहीं खत्म हो जाएगी, आपका कोई खाना पानी नहीं खत्म हो जाएगा, कुछ खत्म नहीं होगा, लिव हैप्पीली। हाँ कुछ हमारे रिश्ते होते हैं जिसपे हम समझते हैं कि अगर हम इनसे नहीं मिलेंगे, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं हम समझते हैं इनसे नहीं मिलेंगे कि तो पता नहीं हमारी जिंदगी में क्या नहीं हो जाएगा, हमारा सर्कल ही चलेगा, हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। तवक्कल कीजिए अल्लाह पे, रिस्क देने वाला, आपकी सांसें चलाने वाला वो ऊपर अल्लाह की ज़ात है, जो रिस्क आपको मिल रहा है, जो रिस्क मुझे मिल रहा है, वो मिलकर रहना है, बिल्कुल वो हर हाल में मिल जाएगा आपको, आपके मुंह में किसी ने नवाला नहीं डालना, वो ऊपर वाले ने डालना है। हाँ वसीले बंदे बनते, और अल्लाह ने जब किसी को वसीला बना के मेरे पास भेजना है वो भेज कर रहेगा, बिल्कुल। हमारे यहाँ तवक्कल की कमी है, बस मसीहत कौम हमारे में तवक्कल की कमी हो चुकी है। आगे क्या प्लान है? और देखिए ऑनेस्टली एज सच आई हैवंट प्लान एनीथिंग, गोइंग विद द फ्लो, बट कोशिश मेरी यही है कि जो बेहतर से बेहतर हो वो करती चली जाऊँ, बेहतरी के लिए करूँ, उसमें बेहतरी दूसरों की भी होती है और इंसान अपनी बेहतरी के लिए भी सोचता है, तो अपने बच्चों की बेहतरी के लिए भी सोचती हूँ, और अभी तो फिलहाल इसी चीज़ को लेकर इंशाल्लाह आगे की तरफ चलूँगी। और अभी मैंने एक और चीज़ यकीनन सोची है, देखिए अल्लाह ताला उसमें खैर कितनी कामयाबी, मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि मिलेगी। आई एम थिंकिंग के जो एनएलपी से रिलेटेड, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और जो मैं ये सब कर रही हूँ ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें माशाल्लाह मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी भी है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एनएलपी से रिलेटेड अपने यूट्यूब पे डिफरेंट डिफरेंट जो है बना रही हूँ, उसमें वीडियोज अपने व्लॉग्स बना रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे एंजाइटी और छोटी छोटी डिप्रेशन और जो घरेलू मसाइल होते हैं जिसमें भी फिर उनको इस हद तक ये बात कह दी जाती है, या जिस तरह भी हम एक छोटी सी बात कर रहे थे कि कोई
बेबी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, आप वर्किंग पर्सन हैं और आपको अपने घर को भी मैनेज करना है, तो ये ऐसे इश्यूज हैं जो आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं. बेसिकली जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो जब मुसलसल कोई चीज़ एक होता है 8-10 दिन के लिए कोई चीज़ हो तो वह एंग्जाइटी होती है. अब एक एंग्जाइटी अगर मुसलसल आपके साथ अटैच है तो फिर वो डिप्रेशन में चली जाती है. तो हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन के दरमियान जो डिफरेंस है ना, उसको समझ नहीं पा रहे होते हैं. उसको हम कैसे हल कर सकते हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ और आजकल मेरी कोशिश जारी है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने उस चैनल के थ्रू लोगों के अंदर ये डिफरेंट बता सकूँ, आपको उसके हल बता सकूँ और फिर पर्सनल लेवल पे तो मैं सेशंस देती हूं. अच्छा सादिया, देखा जाए तो इस कंट्री ने, इस मुल्क ने हमें और आपको बहुत कुछ दिया है. नाम दिया आपको, आप डेफिनेटली सादिया अरशद का नेम इस कंट्री की वजह से, मुल्क की वजह से ना, और आपने अच्छा सर्व भी किया लोगों को. जब एक टाइम ऐसा आता है फिर आपका काम बनता है कि अपनी सोसाइटी के लिए, अपने उन लोगों के लिए कुछ किया जाए जिसको हम कहते हैं CSR. तो सादिया अरशद को मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में, क्योंकि ये भी देखा जाए तो एक नेकी है जो लोगों की आप खिदमत कर रहे हैं इस तरह से, तो आप CSR के हवाले से लोगों के लिए क्या करना चाहती हैं, नंबर वन. नंबर सेकंड, देखा जाए तो कि सादिया अरशद के पास एक आम खातून तो नहीं आ सकेगी अपना मसाइल या कोई प्रॉब्लम लेके, या केमिस्ट्री का या एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि माइट भी सादिया की फी इतनी ज़्यादा हो. तो आप भी लोगों की तरह एक और कायम किया हुआ है, यानी कि एक यानी कि क्लास ही सादिया से कांटेक्ट कर सकती है कि सोसाइटी के वो लोग भी जिनके दुआओं की वजह से, या शायद आपके बहुत फॉलोअर्स हो ठीक है और आपके लिए वेल विशर भी हो, या वो लोग सादिया से आ सकते हैं कि ख्वाब ही रह जाएगा उन लोगों का. प्लीज ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा देखिए, ये जो मैंने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है अपना यूट्यूब के थ्रू, क्योंकि जाहिर है मेरे तक एक्सेस हासिल करना आना या हर एक को जवाब देना इज नॉट पॉसिबल. तो जब मैंने अभी आपसे जिस तरह ये बात की है, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, मैं इसीलिए कहूंगी कि मेरे उस प्लेटफॉर्म पे आप आ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, मुझसे एक्सेस है. और वहां पे मैं एक होता है कि आप शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज या शॉर्ट शॉर्ट बताते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कॉम्प्रिहेंसिवली बिल्कुल, बहुत डिटेल से मैं बात करती हूँ, बहुत डिटेल में मैं बताती हूँ. और मैंने अभी आपसे ये बात कही है कि वहाँ पे मेरा अभी जो मैंने अभी आजकल मैं स्टार्ट किया हुआ है, आपकी इन प्रॉब्लम्स का हल, एक होता है प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर देना कि भी आपके साथ ये भी हो रहा होगा, आपके साथ ये भी हो रहा होगा, नहीं उनका सोल्यूशन, बात तो सोल्यूशन पे आके खत्म होती है. तो उनके क्या सोल्यूशंस निकल सकते हैं, आप अपनी लाइफ को कैसे राइट डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं, और यहाँ तक के हम अपनी लाइफ को कैसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, अपने रिलेशंस में किस तरह बेहतरी लेकर आ सकते हैं. सबसे अच्छी बात मैं जो समझती हूँ, विच एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू डू, एक ना हमारे यहाँ परसेप्शन है, परसेप्शन ये है कि जी आप बिल्कुल एक, क्योंकि एक आई डोंट नो क्यों ये परसेप्शन है कि आप एक अजीब से होलिया में होंगे तो फिर आपको माना जाएगा कि आप फलां फलां हैं, बस ये एक अजीब सा परसेप्शन है. मैं समझती हूँ कि आप अच्छा ड्रेसअप भी हो सकते हैं, आप अपने आप को अच्छे होलिये में भी रख सकते हैं, आप जिए भरपूर तरीके से जिए, क्योंकि एक वक्त की मैं, और दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगी कि एक वक्त की खूबसूरती है कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता. मैं लोगों को ये बताने की कोशिश करती हूँ, यानी कि अच्छा और बुरा टाइम घूमता रहता है, घूमता रहता है. देखिए ना, घड़ी की सुई है ना, वो 12 के ऊपर 12 आई, उसके बाद फिर चेंज होती है, फिर तो भाई वक्त घूमता, वक्त की खूबसूरती है कि वक्त चलता रहता है, वक्त रुकता नहीं है, वक्त थमता नहीं है. तो इस बिलीफ के साथ आगे की तरफ चलिए कि वक्त ने रुकना नहीं, वक्त चलेगा. आज अगर ये वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा, बेहतर वक्त भी आएगा. तो पॉजिटिविटी को अपनाइए, पॉजिटिविटी के साथ आगे की तरफ देखिए. जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम फ्रंट मिरर की तरफ देखते हैं ना. जो साइड मिरर या बैक मिरर होता है वो किस लिए होता है, वो सिर्फ इसीलिए होता है कि कहीं कोई गाड़ी ना लग जाए, या पीछे से आते देखते कि बस यार ट्रैफिक आ रही है क्या. तो जो हमारा माजी होता है ना, ये सिर्फ वो बैक मिरर है, पास्ट हमारा जो वो जो साइड मिरर है, ये साइड मिरर्स बस इसीलिए है. बाकी जो फ्रंट का मिरर है ना, वो फ्यूचर है, वो आगे की तरफ आप देखिए. वाओ,
और वो जो साइड मिरर्स है ना, वो बस इसीलिए है कि बस इतना देख लें कि हाँ यार हम माजी की कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, मिस्टेक तो नहीं कर रहे, वो सिर्फ इसीलिए है एंड दैट्स इट। हम माजी की कोई गलती तो नहीं रिपीट कर रहे, वो सिर्फ इसी चीज के लिए है। बाकी फोकस अपना फ्रंट पे रखें, आने वाले उसके लिए प्रिपेयर करें, उसके लिए और पॉजिटिविटी के साथ, जिस तरह हम एक्सकलेटर में रेस नहीं हमने दी हुई होती, भरपूर तरीके से बड़े जोश के साथ, और अक्सर हमको बहुत अच्छा म्यूजिक सुन रहे होते हैं या हमको दुआ खा किसी चीज से इंस्पिरेशन हो सकती है, किसी भी चीज की इंस्पिरेशन होती है, ठीक है, वो अपनी इंस्पिरेशन अपने साथ रखें एंड देन मूव ऑन, बस उस पॉजिटिविटी के साथ, और नजर अपनी डेस्टिनेशन पे होती है कि हमने पहुंचना है वहां पे। अब वो रास्ते में जो भी आ रहा है, वो जो भी आप मराहल तय कर रहे होते हैं, फिर आपने, आपको एक होता ना कि उम्मीद होती है कि हमने बस पहुंचना है, तो बस उस उम्मीद के साथ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मैसेज भी है, देखा जाए कि जो अगर आपका विजन और अगर आपकी जो ख्वाब है उसके ऊपर आपको यकीन हो पूरा होने का, तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिल जाती है। जिसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सादिया अरशद है, एक ऐसी स्टोरी आज हमने आपको सुनाने की कोशिश की, जिन्होंने मैं समझता हूँ सादिया को, सादिया की फैमिली को, सादिया के यानी कि पेरेंट्स को जानता भी हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद कि सादिया बहुत कुछ इजीली कर सकती थी जब इनके लाइफ में एक ऐसा टफ टाइम आया था, लेकिन सादिया ने एज ए एंटरप्रेन्योर प्रूव किया, 500 रुपीज़ से अपनी लाइफ का स्टार्ट किया, जबकि 500 रुपीज़ मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं था, नथिंग, लेकिन उस 500 रुपये से आज सादिया शायद कितने में कहाँ कितने मिलियंस में चली गई हैं, वो शायद सादिया बेहतर समझ सकेगी। सादिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलना। एक्चुअली आपका प्रोफेशन और आपका जो सब्जेक्ट है ये इतना बड़ा वसी है कि इसके ऊपर एक प्रोग्राम में हम बात ही नहीं कर सके। एक्चुअली इसके और भी जो इसमें चीज़ें हैं, इंशाल्लाह हम आने वाले टाइम में और भी इसके ऊपर एक सेशन करेंगे, जिसके ऊपर हम पमिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या है ये बड़े इंपॉर्टेंट, लोगों को पता नहीं है, और फिर ब्लैक मैजिक कहाँ इसमें आ जाता है, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके स्पेशल मेहमान नवाजी का, ग्रेट हॉस्पिटलिटी का, और आज आप गेस्ट थे हमारे यानी कि इस प्रोग्राम में मॉडल स्ट्रीट ग्रुप ऑफ कंपनीज की, जिनका बिलीव है कि पाकिस्तानी बनी है, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की यूज़ कीजिए। तो नाज़रीन, इसके साथ मुझे और सादिया अरशद को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि ये सफ़र ख्वाबों का सिलसिला जारी रहेगा। हम मिलेंगे इस सफ़र में किसी और जगह पर किसी और पर्सनैलिटी के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं। सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहाँ घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।